everybody, this is ZDK Guru, and today in this video lecture I am going to teach you a very relevant spoken English structure that will help you to speak English very fluently. Dear friends, one thing is very clear that until or unless you practice, you can't speak English fluently. And to speak English fluently, we need a lot of practices, because practice makes a man perfect. So let's do it with the help of this structure. Subject plus feel ya feels, like plus before. See once more. Subject plus feel ya feels, like plus before. Before means ing form of verb. आप इस स्ट्रक्चर का कहाँ यूज करेंगे? तो अगर आपका एक्सप्रेशन हिंदी में इस तरह हो, मन कर रहा है, या कुछ करने की इच्छा हो रही है, या दिल कर रहा है, इस तरह का एक्सप्रेशन अगर हिंदी में आता है तो हम इस स्ट्रक्चर के हेल्प से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। एक सेंटेंस लीजिए, मुझे चाय पीने का दिल कर रहा है, तो इसका क्या होगा? आई फील लाइक टेकिंग टी। मुझे चाय पीने का दिल हो रहा है या मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक टेकिंग टी। इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे सिंगुलर के साथ, उसे चाय पीने का दिल कर रहा है, तो सी फील्स लाइक टेकिंग टी, यहाँ पे एस लगा, फील्स, सी फील्स लाइक टेकिंग टी। मुझे वह फिल्म देखने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक वॉचिंग दैट मूवी। उसे बाहर जाने का दिल कर रहा है, सी फील्स लाइक गोइंग आउटसाइड। मुझे नहाने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ, आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ। मुझे डांस करने का मन कर रहा है, मुझे डांस करने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक डांसिंग। उसे डांस करने का दिल कर रहा है, सी फील्स लाइक डांसिंग। उसे गाना गाने का दिल कर रहा है, सी फील्स लाइक सिंगिंग। मुझे सोने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। तो आप इस तरह के एक्सप्रेशन को आप इस स्ट्रक्चर के हेल्प से आप बनाएंगे। मुझे आम खाने का दिल कर रहा है, मुझे एक आम खाने का दिल कर रहा है, या मुझे आम खाने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग अ मैंगो। कभी कभी उसे इंग्लिश बोलने का मन करता है, क्या होगा? समटाइम्स ही फील्स लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, समटाइम्स ही फील्स लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे पढ़ने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक रीडिंग। मुझे स्टोरी पढ़ने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक रीडिंग अ स्टोरी। उसे गले लगाने का दिल कर रहा है, सी फील्स लाइक हगिंग। उसे तुम्हें गले लगाने का दिल कर रहा है, यानी उसे तुम्हें गले लगाने का दिल कर रहा है, सी फील्स लाइक हगिंग यू। या हगिंग के जगह पे हम एम्ब्रेसिंग यू यूज कर सकते हैं। मुझे आपका पैर छूने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक टचिंग योर फीट। मुझे आपको ना झापर मारने का दिल कर रहा है, या चाटा देने का दिल कर रहा है, आई फील लाइक स्लैपिंग यू। आइए अब आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, इस तरह के सेंटेंस बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप फ्लुएंट हो सके। एक सेंटेंस लीजिए, आई फील लाइक टेकिंग टी, ये पॉजिटिव हो गया। I don't feel like taking tea, ये negative हो गया। Do I feel like taking tea, ये interrogative हो गया। Don't I feel like taking tea, ये interrogative with negative हो गया। आप इस तरह से हर sentences को practice कीजिए। जैसे
see feels like reading, see doesn't feel like reading, does see feel like reading, doesn't see feel like reading. ओके, इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में बनाना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस फेल्ट लाइक प्लस वी फोर. सी वंस मोर, सब्जेक्ट प्लस फेल्ट लाइक प्लस वी फोर. फेल्ट लाइक याद रखिए. आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. मुझे चाय पीने का दिल कर रहा था या मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही थी, क्या होगा? आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी. उसे सोने का दिल कर रहा था, सी फेल्ट लाइक स्लीपिंग. आइए इन दोनों सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव के साथ प्रैक्टिस करके देखते हैं. आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी, आई डिडंट फील लाइक टेकिंग टी, डिड आई फील लाइक टेकिंग टी, डिडंट आई फील लाइक टेकिंग टी. दूसरा क्या होगा? सी फेल्ट लाइक स्लीपिंग, सी डिड नॉट फील लाइक स्लीपिंग, डिड सी फील लाइक स्लीपिंग, डिडंट सी फील लाइक स्लीपिंग. तो ये था हमारा सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर. हमने एक स्ट्रक्चर से इतने सारे सेंटेंसेस को बताए. आपको जब भी इस तरह के एक्सप्रेशंस को बताना हो, मन कर रहा है, कुछ करने की इच्छा हो रही है या दिल कर रहा है, तो आप इस स्ट्रक्चर का हेल्प लेके बनाएं और इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस करें. और जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा. तो अब प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स बताऊंगा जो कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. होप यू कि आपको ये समझ में आ चुका होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. See you.